रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि 9 अगस्त की जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और उसने पूरा जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है उसके ऊपर एक तरीके से हमारे ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप कर दिया कि हम कैसे काम करें। बहुत से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो गाँव में चल रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि वो एक मेडिकल कॉलेज है और कोलकाता एक महानगर है जहाँ की बहुत अच्छी अच्छी दावे करती हैं सरकारें कि यहाँ पर सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक इतना जो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एक सेकंड ईयर की जो छात्रा है उसको अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि जो लड़कियां जो हमारे साथ जो हैं या जो छात्रों में हैं वो कल को किसी PHC CHC में काम करेंगी तो उनके लिए क्या सुरक्षा सरकार मुहैया करेगी। अगर इतने जो टर्शरी लेवल का मेडिकल कॉलेज है वहाँ ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं तो मेरी मैं हम खुद लोग हम जो खुद हैं 24 घंटे मैंने अभी 30 घंटे की एक ड्यूटी करी है, इतनी लंबी वर्क आवर्स रहते हैं और उसके बाद ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं पूरे तरीके से। जो मेडिकल कॉलेज हैं आज सरकारें क्या कर रही हैं कि सीमेंट के पहाड़ खड़े कर दे रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, किसी में आप जाके देखेंगे कोई पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं है और पुलिस का और डॉक्टर्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उन लोगों के साथ। तो इस तरीके की घटनाएँ हैं वो बहुत निंदनीय हैं। मैं मेरे मेडिकल कॉलेज की तरफ से और समस्त जो हमारे चिकित्सक समाज है उसकी तरफ से ये सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि CBI जाँच हो, भारतीय न्याय संहिता के जितने कठोर से कठोर उसके ऊपर लगाए जा सके, कानून लगाए जा सकें, उसके तहत सजा हो और ये फास्ट ट्रैक में मामला चले, जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो और सरकार इस बात को संज्ञान में ले कि डॉक्टरों के लिए जो पुख्ता सुरक्षा है वो उसको संज्ञान में ले और ऐसे कानून इजाद करे, ऐसे कानून बनाए कि डॉक्टर्स का हरेसमेंट न हो। आज समाज पर ही देखंतु अगर समाज भाया रही कि घरे स्त्री रहिबो आउ खाली घर संभालिबो, समस्त एबे वर्किंग लेडी हेलेनी तो आमे चाहूँ कि आमे जो वर्क स्पेस अच्छी से तो आम सेफ्टी डिजर्व करूचे ना, से आम सेफ नथिले केमिति हम समस्त सब झिया को गोटे सेफ्टी दरकार। आउ जो जिनसटा ये हैला कि समस्ते कहते कि तुम्हें निज वर्क प्लेस रे नाइट ड्यूटी कला समय रे एकला कहीं कहीं एकला नथिबे, जदि ड्यूटी शेड्यूल सेमिति अच्छी एकला नथिबे सेटा आम दायित्व, कई आम सहित भूल करुचे सेटा आम दायित्व आम सेमिति नहीं पारियानी ना। तो समाज निज रेस्पोंसिबिलिटी भी भाबिबा कथा कि जस्ट बिकॉज़ गोटे डॉक्टर ट्रेनी गोटे महिला एकला अच्छी दैट डजंट मीन कि आमे ता सहित किछि भी करि पारिबा। मुख्य कारण या है छि जे एबे जणे ट्रेनी आम जो सीनियर अछंती से निजर ड्यूटी करथिले, तांकर नाइट ड्यूटी पड़ीथिला किंतु सकाळे आमे देखिया को पाइले कि सी ड्यूटी वर्क प्लेस रे सेमिनार हॉल रे सी गोटे अवस्था रे पड़ीछंती जहां आमे डिस्क्राइब करि पारियन आउ सी जिनस पई भी कहीं स्टैंड नो नहंती सी जिनस एमिति सब डिटेल आउ एमिति जिनस रे समस्त दबैवा को चेष्टा करंती जिनस। तो आमे एटा चाहू छु कि जस्टिस ता समस्त तांकु मिलु आउ लोक तांको कैरेक्टर उपरे नहीं निजो दायित्व बुझंतु सी एति की अछि सुरक्षा माने सिक्योरिटी थाउ। एबे आमे जदि डॉक्टर हे कि सेठी काम करू छ आमे विभिन्न प्रकार लोकों को फेस करू छु, पब्लिक निज हिसाब रे आसछंती कि मद पीछंती कि जहाँ करछंती आमे निज हिसाब रे ताकू ठीक करिया को चाहू छु जे किछिटा जिंस आम हाथ रे न थाउछे तो सेथि पई हमको सिक्योरिटी दरकार कि जोठी अच्छी जोठी किछि लफड़ा होछि किछि होछि तो सेठि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जे दाई अच्छी सी हमको सिक्योरिटी दो सी हम पई आसी कि छिड़ाओ ना कि जस्ट बिकॉज़ हमें ड्यूटी रे अच्छे सेटा हम दायित्व हो जाउ छि कि हमें निज को प्रोटेक्ट करियो। कैंडल रैली ये हो आपण मैंने जानते वर्तमान न्यूज रे गोटे जिनस भाइराल होने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज जोटा कि कोलकाता रे अच्छे तार गोटे द्वितीय वर्षर छात्री मौमिता बेदनाथ सेकेंड इयर से पीजी स्टूडेंट चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंटर तांकर विलंबित राति हॉस्पिटल कार्यरत अवस्था तांकर रेप होती रेप होगापर असंगीन अवस्था तांको हत्या करा जाई जोटा कि अति निंदनीय घटना जोटा कि आम समाज रे समस्ते प्रतिरोध करछु आउ यार जस्टिस पई आमे माने समस्ते सरकार को आगर दाबी करछु। आउ एई इंसिडेंट हेबार 3 दिन होगलाणी वर्तमान सुद्धा के भी माने दोषी ए पर्यंत धरा देई नांती तो आमे यार CBI तदंत चाहूछु आउ एई याकु प्रतिवाद करिकि तुरंत निश्चय निष्पत्ति आसबार सरकार पाखे दाबी करुछु।